नमस्कार दोस्तों, गोदनामा कैसे लिखवाएं इस बारे में ये वीडियो है। जब भी आप कोई बच्चे को गोद लेते हो, कोई बच्चा अडॉप्ट करते हो, तो सबसे पहले आपको गोदनामा लिखवाना होता है। जब आप गोदनामा रजिस्टर करवाओगे तो सबसे पहले आपको गोदनामा टाइप करवाना होता है, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस करना होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अडॉप्शन डीड है वो कैसे लिखी जाती है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको इस प्रकार की जानकारी होगी, जब भी आप कोई सरकारी डॉक्यूमेंट बनाते हो, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हो, तो अगर आपको उसके रिगार्डिंग जितनी ज़्यादा जानकारी होगी, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। इससे आपके पैसे और समय की बचत है वो हो सकती है। तो बात करते हैं कि गोदनामा कैसे लिखवाना है। आप अभी जो देख रहे हो यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा है, ये गोदनामे का प्रफॉर्मा है जो आप अभी देख रहे हो। ये गोदनामे का प्रफॉर्मा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट आपको बताऊंगा इसमें कि कैसे आपको गोदनामा लिखवाना है। तो सबसे ऊपर यहाँ पे देख रहे हो ये गोदनामा आज दिनांक, यहाँ पे आपको दिनांक मेंशन करनी है जिस तारीख को आप बच्चे को गोद ले लेते हो और आप उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हो। रजिस्ट्रेशन जिस दिन आप गोदनामा रजिस्ट्रेशन करवाते हो वो तारीख आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चे के पिता का नाम, यहाँ पे जो बच्चे के प्राकृतिक माता पिता है उनमें से यहाँ पे पिता का नाम आपको मेंशन करना है बच्चे का, और इसके बाद यहाँ पे बच्चे की माता का नाम जो प्राकृतिक माता है उसका नाम, और यहाँ पे उनकी उम्र, और यहाँ पे उनके पति का नाम। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है। पहले आपको बच्चे के जो प्राकृतिक माता पिता है उनकी डिटेल डालनी है, आगे उसके बाद यहाँ पे निवासी, यहाँ पे गांव आ जाएगा, तहसील, जिला वगैरह, यहाँ पे आपको डिटेल डाल देना है। आपको यहाँ पे बच्चे के माता पिता का नाम डालना है, उनका सन ऑफ डालना है, उनकी उम्र डालनी है, और उनका पूरा एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी पार्टी है, दूसरी पार्टी में यहाँ पे बच्चे के दत्तक पिता का नाम, जो गोद ले रहा है बच्चे को, जो पिता गोद ले रहा है बच्चे को उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे उनकी उम्र आ जाएगी, उनके सन्नोफ यहाँ पे लिख देना है आपको, और यहाँ पे बच्चे की दत्तक माता यानी कि जो गोद ले रही है माता बच्चे को उनका नाम आ जाएगा, यहाँ पे उनकी उम्र आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे उनके वाइफ ऑफ यहाँ पे आपको लिख देना है उनके पति का नाम, और उसके बाद यहाँ पे गांव व डाकखाना उनका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, गांव, तहसील, जिला और पिन कोड वगैरह आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो इस प्रकार आपको फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी ऊपर आपको मेंशन कर देना है। परफॉर्मा इस टाइप का रहेगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि उनकी उम्र वगैरह, नाम पता वगैरह वो करेक्ट डालना आपको डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस प्रकार से आप डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो ये कि प्रथम पक्ष जो बच्चे के प्राकृतिक माता पिता ना, यहाँ उनका नाम लिख दीजिए, ठीक है। इस कॉलम में आपको यहाँ पे नाम लिख देना है कि शादी को 10 साल हो चुके हैं, उनकी शादी को कितने साल हो चुके हैं वो आपको मेंशन कर देना अपने हिसाब से। इस शादी से उनके कितने बच्चे हुए हैं वो आपको मेंशन करना होता है, जो प्राकृतिक माता पिता बच्चे को जो गोद दे रहे हैं बच्चे को उनके शादी को कितने साल हो गए वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद उस शादी से उनके कितने बच्चे हैं, जैसे यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की है, लड़की जो गोद दे रहे हैं वो लड़की है, तो उसका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। लड़की का नाम यहाँ पे आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि आप जो बच्चा गोद दे रहे हैं वो लड़का है या लड़की है, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, और यहाँ पे उनका नाम आपको लिख देना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको नाम लिख देना है। उनकी जन्म तिथि आपको यहाँ पे लिख देनी है, जो उनकी जन्म पत्री है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जन्म तिथि है वो लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे द्वितीय पक्ष की शादी को 15 साल हो गए हैं, तो जो गोद ले रहे हैं द्वितीय पक्ष यहाँ पे वो है जो गोद ले रहा है, तो उनकी शादी को कितने साल हो चुके हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। उस शादी से उनके कितने बच्चे हैं वो यहाँ पे आपको डिटेल में लिखना होता है, अडॉप्शन डीड में ये डिटेल आपको लिखनी होती है। तो यहाँ पे आपको उनके इस शादी से एक पुत्र है और एक पुत्री है, यानी कि उनके एक पुत्र या पुत्री, आप जितने भी आपकी जानकारी के हिसाब से आप जो लिख रहे हो उसमें जितने भी उनके बच्चे हैं या नहीं, अगर नहीं है तो इस शादी से उनके कोई बच्चे नहीं हुए, अगर बच्चे हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल डाल देनी है, और बच्चों की डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर जो गोद दे रहे हैं और जो गोद ले रहे हैं उनमें कुछ संबंध है अगर, तो यहाँ पे अगर भाई का या कोई भी संबंध है उनमें कोई रिलेशन है तो आपको यहाँ पे डाल देना, जैसे यहाँ पे प्रथम पक्ष का नाम डाल दीजिए, यहाँ पे द्वितीय पक्ष का नाम डाल दीजिए, उनके फादर का नाम डाल दीजिए, जिस इस केस में ये दोनों सगे भाई हैं, जो गोद देने वाले और गोद लेने वाले हैं दोनों सगे भाई हैं, तो मैंने यहाँ पे डिटेल में डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे ये डिटेल आ जाएगी, द्वितीय पक्ष की इच्छा थी कि एक लड़की गोद ले ली जाए और सामाजिक धार्मिक विचारों की जरूरी है, प्रथम पक्ष में यहाँ पे उनका नाम डाल दीजिए जो प्राकृतिक माता पिता है, और उसके माता का नाम और पिता का नाम यहाँ पे डाल दीजिए बच्चे का, और यहाँ पे बेटी का नाम डाल दीजिए जो वो गोद दे रहे हैं, जो लड़की को गोद दे रहे हैं उसका नाम डाल दीजिए यहाँ पे हिंदी में, और यहाँ पे इंग्लिश में आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आगे देख रहे हो आप, द्वितीय पक्ष को गोद देने में राजी है, द्वितीय पक्ष बच्चे के दत्तक पिता, द्वितीय पक्ष में यानी कि जो गोद ले रहे हैं उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे माता का नाम आ जाएगा, ठीक है। अपने परिवार की सहमति से गोद लेना चाहते हैं, परिवार इस बात से खुश है, किसी को कोई ऐतराज ना है, अतः इस बात से ये गोदनामा आज लिखवाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पे आपको कारण भी देना है कि बच्चे को गोद है वो दे रहे हैं तो वो राजी है गोद देने के लिए, और जो बच्चे को गोद ले रहे हैं वो उनकी भी सहमति है, वो गोद लेना चाहते हैं बच्चे
बच्चे को, लड़के को लेना चाहते हैं, लड़की को लेना चाहते हैं, उनकी अगर नहीं है लड़की तो वो लेना चाहते हैं, तो इस तरह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा हवाला है वो दे देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप आगे देखोगे, ये है कि इस गोदनामे के लिखने से पहले प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के घर परिवार मित्रों रिश्तेदार व समाज के लोगों के बीच में समारोह किया गया, जिसमें द्वितीय पक्ष ने सभी को अपने घर पर सामूहिक भोज दिया। उसके उपरांत प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को, यानी कि जो प्राकृतिक माता पिता है बच्चे के, उसने द्वितीय पक्ष की गोद में लड़की बच्चे का नाम, यहाँ पे बच्चे का नाम जो गोद दे रहे हैं बच्चे, उस बच्ची का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। द्वितीय पक्ष ने इसे अपनी गोद में ले लिया, प्रथम पक्ष ने लड़की यहाँ पे बच्ची का नाम आपको लिख देना है, और इस समारोह रिश्तेदारों और दोस्तों मौजूदगी में दिया। इस खुशी में मौके पर गीत गाए गए और लड्डू मिठाइयाँ बांटी गई। तो ये सारी डिटेल आपको लिख देनी है, प्रोफॉर्मा आपको मिल जाएगा, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसके बाद यहाँ पे यह है कि आज के बाद द्वितीय पक्ष अपनी पुत्री यहाँ पे इस परफॉर्मे में जो मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे बेटी को गोद दिया गया है, तो यहाँ पे बेटी का नाम है, आप यहाँ पे पुत्री या पुत्र जो भी है आप मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे आपको नाम लिख देना, ठीक है। आज से यहाँ पे बच्चे का आपको नाम लिख देना है, जो बच्चा गोद दिया है उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए। के पालन पोषण, पढ़ाई व विवाह के बाद सभी वार त्योहारों व अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में द्वितीय पक्ष ही पूरा करेंगे, तथा यहाँ पे बच्चे को नाम आ जाएगा। द्वितीय पक्ष की जायदाद में वह सभी हक हकूक प्राप्त होंगे जो एक पुत्री को अपने माता पिता के घर में प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये लाइन आपको मेंशन कर देनी है, ये सारी आपको, ये दो नंबर पे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेंशन कर देना है। यहाँ पे बेटी, यहाँ पे बेटी को गोद दिया, तो यहाँ पे आप, मैंने बेटी मेंशन कर दिया। यहाँ पे देखोगे आप बेटी, यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, यहाँ पे ये बेटी को गोद दे रहे हैं, तो मैंने बेटी यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप यहाँ पे जो भी है आपकी डिटेल, बेटी या बेटा, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। द्वितीय पक्ष की कानूनी वारिस होगी और यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। इसको गोद लेने से सारे परिवार को खुशी हुई है, इसलिए आज दिनांक, यहाँ पे तारीख जिस दिन आप रजिस्टर्ड कराओगे, गोदनामे को कंप्यूटर से टाइप करवाकर पंजीकृत करवाया जा रहा है। दोनों पक्षों में अपनी आजाद मर्जी, स्थिर बुद्धि व पूर्ण होशो हवास में व अपनी बिना किसी दबाव के बहकावे के ये गोदनामा लिखवाया गया है, ताकि प्रमाण रहे वह समय पर काम आवे। मजबून गोदनामा को पढ़कर दोनों पक्षों को सुनाया व समझाया गया, जिसे सही मान करके रोबरू गवान दोनों पक्षों ने अपने हस्ताक्षर अंगूठे लगाए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये डिटेल है वो लिख देनी है, इस प्रकार से आपको एडिक्शन डीड लिखनी है। यहाँ पे आपको स्थान वगैरह मेंशन कर देना है, यहाँ पे आपको स्थान लिखना है, यहाँ पे आपको तारीख लिखनी है, और यहाँ पे प्रथम पक्ष में जो प्राकृतिक माता पिता है उनके नाम आपको यहाँ पे लिख देने हैं दोनों के, और इनके साइन यहाँ पे नीचे करवा देना है। द्वितीय पक्ष में यहाँ पे हमने जो गोद ले रहे हैं, जो बच्चे को अडॉप्ट किया है वो माता पिता है, उनका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है माता पिता का, और उनके साइन यहाँ पे करवा देने हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे गवाह की जरूरत होती है, दो गवाह आपको चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे गवाह का नाम आ जाएगा, उनका एड्रेस आ जाएगा, गाँव, तहसील, जिला और मोबाइल नंबर वगैरह आपको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे आपको साइन करवा लेना है, ऊपर यहाँ पे आपको साइन करवा लेना है, और यहाँ पे दूसरे गवाह की डिटेल आपको लिख देनी है और साइन करवा लेना है। और आपने ये किस एडवोकेट की मदद से आप गोदनामा करवा रहे हो, कहाँ से करवा रहे हो, तो यहाँ पे ड्राफ्टेड बाई आ जाएगा एडवोकेट का नाम, और यहाँ पे कचहरी वगैरह का जहां से आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो वो आप डिटेल यहां पे मेंशन कर दीजिए। बाकी आप जब वकील की मदद से करवाओगे तो आपको ये डिटेल है वो कंप्लीट मिल जाएगी, वकील अपने आप ही एडॉप्शन डीड वगैरह लिखवा लेते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता रहा हूं, ताकि आपको काफी हेल्प मिलेगी इससे कि गोदनामा की जो डीड है वो कैसे लिखवाई जाती है, इससे आपके समय की बचत होगी। जितनी आपको अवेयरनेस होती है उतनी ही सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए, सरकारी डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करवाने के लिए आपका समय और पैसा दोनों बचत होती है, तो इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अगर आप ये गोदनामे का परफॉर्मा चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारी वेबसाइट का, आप वहां जाकर के और ये गोदनामा है वो ले सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिलेगी, वहां से आप मेरे को मेल करके कांटेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है और आपके लिए वैल्यूएबल वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो बच्चे को गोद लेना चाहते हैं या इसके रिगार्डिंग जानकारी चाहते हैं, उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।